बजट 2023 में वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को लेकर इंडस्ट्री की तरफ से जो बहुत सारी मांगें रखी थी, इस पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां, तथ्य और कई नए प्रस्ताव पेश किए हैं। मेरे साथ सुमन सिन्हा हैं, एसोचैम के अध्यक्ष हैं। जो नए प्रस्ताव आए हैं, चाहे आम आदमी को टैक्स में राहत देने से जुड़ा हो या फिर इंडस्ट्री को भी बहुत सारे सेक्टर्स के लिए कैपेक्स के लिए एलोकेशन बढ़ाया उन्होंने, इन सब से आपको क्या लगता है, इसके पीछे सोच क्या है? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नए बजटीय प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मुझे लगता है इसके पीछे एक सिंपल फिलॉसफी है, वो प्रधानमंत्री की फिलॉसफी है कि बिल्ड द फ्यूचर इंडिया, और उनका पूरा ध्यान इसी के ऊपर है। उनका ध्यान शॉर्ट टर्म इश्यूज को लेकर नहीं है। तो इसलिए अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो इतना तेजी से बढ़ाया है पिछले इसी साल नहीं बट पिछले एक दो साल भी, और 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा है उसको, तो उसके पीछे यही है कि कैसे रोड्स बनाएं, कैसे एयरपोर्ट्स बनाएं, कैसे पोर्ट्स को बनाएं, कैसे पूरे अर्बन डेवलपमेंट करें। तो उनकी मुझे लगता है पूरी सोच यह है कि आगे जाके इंडिया को किस तरह से एक उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करें, जो फ्रिक्शन कॉस्ट है इंडिया में बिजनेस करने के लिए उसको कम करें। अगर ये सब कम कर सकें तो इससे इंडिया की कंपेरेटिवनेस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आगे का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फिर एश्योर हो जाता है। एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये बजट पेश किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, और ऐसे में आपको लगता है कि जो चुनौतियां अभी हैं, जिसका जिक्र आर्थिक सर्वे में भी किया गया, उन इश्यूज को अगले साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ज़्यादा असर ना पड़े, ये एक कॉन्टेक्स्ट है इस बजट का? नहीं, डेफिनेटली है। जैसे आपने बोला, बहुत सारे मैक्रो अनसर्टेनिटीज हैं दुनिया में आज के दिन, रिसेशन होगा, ग्लोबल रिसेशन होगा कि नहीं होगा, उस पर इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, वो सब अभी काफ़ी अनसर्टेनिटीज हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो सरकार ने जो एक फैसला लिया कि जो इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको एकदम ठोस तरह से आगे बढ़ाया जाए, फिजिकल डेफिसिट कम करके, जिससे कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर रिलायंस थोड़ा कम हो जाए, डोमेस्टिक डिमांड को क्रिएट करें टैक्स काट के, एमएसएमईज को थोड़ा स्ट्रॉन्गर करें, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपेक्स भी, कैपेक्स तो खैर है, जिसका हमने पहले ही बात कर लिया है, जिसके जिक्र हमने किया है। तो ये सब करने के कारण मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी का ये जो इंटरनल स्ट्रेंथ जो बढ़ेगा वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का जो ग्रोथ है वो उस इंडियन इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, रादर देन कि भाई फॉरेन यू नो इकोनॉमीज़ की मदद आएगी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक आखिरी सवाल, आपने अपने प्री बजट मेमोरेंडम में ये सुझाव दिया था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए टैक्स में आम लोगों को राहत देना जरूरी होगा। जो नए टैक्स रेजिम में जो नए स्लैब्स और टैक्स एग्जेम्पशन का उन्होंने ऐलान किया है, इससे अर्थव्यवस्था के लिए क्या असर पड़ेगा, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, टोटल जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, टोटल जो टैक्स रिबेट दिया गया है करीब 37,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। ये इंडिया काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक मुझे लगता है एक सेंटिमेंट में चेंज आएगी, लोगों को लगेगा कि हमारे जेब में थोड़े पैसे आगे आ चुके हैं। और प्री कोविड पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी एक है उसमें कंजम्पशन डिमांड को डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, उसके कारण इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे और क्योंकि थोड़ी बोरिंग कम रहेगी तो इंटरेस्ट रेट्स भी कम रहेंगे, तो इससे पूरे एक वर्चुअस जो ग्रोथ होगी इंडियन इकोनॉमी की वो इससे फॉस्टर हो जाती है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आपका। तो दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुस्लिम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।